जब किसी तारे के आसपास घूमने वाला ग्रह किसी बड़े गुरुत्वाकर्षण बल से तारे से दूर हो जाता है तो वो एक रोग वर्ल्ड बन जाता है। ये ग्रह बिल्कुल फ्री होते हैं और किसी भी तारे के चक्कर नहीं लगाते। अब बात करते हैं नई खोज की। वैज्ञानिकों ने रोग वर्ल्ड्स पर खूब दिमाग लगाया है और पाया है कि ये ग्रह अंतरिक्ष में अकेले ही घूमते हैं। इनका बनना बिगड़ना और इनकी जिंदगी सब कुछ समझना बहुत ही मजेदार है। कुछ रोग वर्ल्ड्स तो हमारे सौर मंडल से भी बाहर हो सकते हैं। हाँ भाई, बिल्कुल सही सुना। इन ग्रहों के बारे में जानने के लिए वैज्ञानिकों ने सुपर डुपर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जैसे इंफ्रारेड टेलीस्कोप और एनिमेटेड मॉडल। इनकी रिसर्च में पता चला है कि रोग वर्ल्ड्स पर जिंदगी के कुछ निशान भी हो सकते हैं। ये कहते हैं रोग प्लैनेट्स या फ्री फ्लोटिंग प्लैनेट्स। ये किसी भी स्टार की ग्रेविटी से नहीं बंधे होते, ये तो बस स्पेस की विशाल दुनिया में अकेले ही घूमते रहते हैं। अब जरा सोचो, ये रोग प्लैनेट्स कैसे दिखते होंगे। वैज्ञानिकों के हिसाब से ये हमारी सोच से भी ज्यादा ठंडे, अंधेरे और रहस्य से भरे होते हैं, क्योंकि इन पर किसी स्टार की रोशनी नहीं पड़ती। इनका टेम्परेचर बहुत कम होता है। और तुम जानते हो क्या, इन रोग प्लैनेट्स को ढूंढना भी कोई आसान काम नहीं है। इन्हें खोजने के लिए वैज्ञानिक ग्रेविटेशनल माइक्रोलेंसिंग और इंफ्रारेड इमेजिंग जैसी टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं। तो अगली बार जब तुम रात में आसमान की तरफ देखो तो याद रखना कि कहीं आसमान में कोई रोग प्लैनेट भी घूम रहा होगा। कौन जाने, शायद भविष्य में हम इन प्लैनेट्स के बारे में और भी गहराई से जान पाएं। तो चलो, स्पेस के इन अनजाने मुसाफिरों की दुनिया में कदम रखते हैं।